हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैंटम गुरुजी चैनल पे। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मैं आपको एक एक्यूरेट डेटा देने की कोशिश करता हूँ। देखो, आप एक्यूरेट तो एकदम नहीं बता पाओगे कि कितना आपका स्कोर पे कितना परसेंटाइल आपका आ जाएगा एकदम एक्यूरेट, लेकिन मैं आपको कुछ हद तक एक वैल्यू बताने जा रहा हूँ जिसके कारण आप मतलब थोड़ा मोरा तो आपका डिफरेंस आएगा, लेकिन आप बहुत हद तक ये वैल्यू को ना आप एकदम एक्यूरेट मान के चल सकते हो। ठीक है, ये आपका पिछले साल का पेपर है जो आपका हुआ था। यहाँ पर देखो 12th अक्टूबर मॉर्निंग और ये आफ्टरनून। अगर आप यहाँ पर स्कोर देखोगे, यहाँ पर स्कोर लिखा हुआ है और इसके साइड में ना आपका परसेंटाइल दिया हुआ है। अगर आप एक चीज़ को गौर करोगे ना तो आपको ये दिखाई देगा कि लगभग स्कोर और परसेंटाइल हर शिफ्ट का लगभग सेम टू सेम चलता है। बस कुछ ही ऐसे शिफ्ट रहते हैं जहाँ पर कुछ पेपर कोई एक सब्जेक्ट टफ होने के कारण जो परसेंटाइल रहता है उसमें 4-5 नंबर का डिफरेंस दिखाई देगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो स्कोर अभी आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का जो स्कोर रहेगा उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही आपका, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में आपके पेपर लिए गए। ठीक है, तो अलग अलग पैरामीटर होते हैं उसको चेक करने के कि कितने आपके परसेंटाइल बढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। अगर मार्क्स की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 से 5 मार्क आपका बढ़ सकता है। जो एकदम टफेस्ट शिफ्ट होगा तो उसमें 4 से 5 मार्क आपके बढ़ेंगे। एक दो शिफ्ट की अगर हम बात करें, जैसे 7 तारीख का आपका जो क्या बोलते हैं शिफ्ट 2 है, मैं यहाँ पर आपको डेटा ही बताऊंगा कि कौन सा शिफ्ट आपका सबसे टफ था। तो जो स्टूडेंट उस शिफ्ट में आ रहे हैं तो वो आपका एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि उनका थोड़ा सा स्कोर आपका बढ़ जाएगा। मतलब जो भी आपका रॉ मार्क्स आ रहा होगा उससे ज़्यादा आपका नंबर बढ़ जाएगा। दूसरी बात, बोनस भी आपको मिलने वाला है। कुछ क्वेश्चन है उसमें जो गलत है तो बोनस भी मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन में आपके स्कोर भी बढ़ेंगे। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि किसका स्कोर बढ़ने वाला है। तो देखो, मैं आपको पहले ना आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का एक रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर आपका ये देखो, यहाँ पे है आपका मॉर्निंग शिफ्ट और ये रहा आपका नीचे में दिया हुआ आपका आफ्टरनून शिफ्ट। यहाँ पर भी देखो 13th अक्टूबर, ये पिछले साल का आपका। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ देखो 165 स्कोर पे कितना है, 99.5 परसेंटाइल है। यहाँ पर देखो 162 स्कोर पे 99.3 परसेंटाइल है। तो ज़्यादा का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ नहीं है। अगर 189 स्कोर पे देखोगे तो 99.9324, तो अच्छा खासा परसेंटाइल है यहाँ पे 189 स्कोर के ऊपर। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैं आपको डेटा दिखाता हूँ एक और, ये जो ये पिछले साल का लिया गया है। अब यहाँ देखो, डिफिकल्ट शिफ्ट रहा और इजी शिफ्ट रहा तो कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर डिफिकल्ट रहा तो 187 से 189 पे 100 परसेंटाइल रहेगा, तो वही अगर आपका इजी शिफ्ट रहा तो 193 से लेके 195 का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 99.90 अगर आपका परसेंटाइल चाहिए आपको तो आपको डिफिकल्टी शिफ्ट में 176 तक स्कोर करना पड़ेगा और इजी शिफ्ट में 184 तक स्कोर करना पड़ेगा। वही बताया आपको मैं, 7 से 8 मार्क का डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता नहीं है। मैक्सिमम बच्चे जो रहते हैं ना उनका स्कोर ये वाले रेंज में लाई करता है, 120 से 135 या फिर आपका ये पकड़ लो 110 से 125 इसके बीच में। ठीक है, तो अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट रहेगा तो अगर आपने 110 भी स्कोर किया है तो आपका लगभग परसेंटाइल 92 से 94 के बीच में आने वाला है, जो कि आपके शिफ्ट जो थे वो 7 तारीख का शिफ्ट 2 और आपका 10 या 11 तारीख में भी एक मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ आया था। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से शिफ्ट टफ थे, क्योंकि देखो मैथ्स का लगभग अगर आप देखोगे ओवरऑल जो है मैथ्स का पेपर तो लगभग हर शिफ्ट मतलब एक अच्छा लेवल का ही था, या तो मॉडरेट था या तो मॉडरेट से डिफिकल्ट था आपका। ठीक है, तो मैथ्स में तो मतलब हर ही शिफ्ट वैसा ही है, तो ज़्यादा आपका डिपेंड करेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसा है। ठीक है, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कोई शिफ्ट के टफ है तो फिर वो पेपर कैसा रहेगा आपका, टफ हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो, और अगर आप रैंक की बात करो तो यहाँ पर रैंक भी आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा, कितने स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, टॉप 10 कॉलेजेस को कैसे हम सिलेक्ट करें, ये सब के ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं और ये एक और डेटा आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये आपका है। अगर आपका 110 स्कोर आ रहा है तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि 91 से 92, और वही अगर आपका टफ शिफ्ट रहेगा तो 1-2 परसेंटाइल आप ज़्यादा लेके बात कर सकते हो, 94 के आसपास में आने वाला है। ठीक है, चलो अगर आपका 80 रहेगा तो इस तरीके से नीचे में, तो जितना स्कोर आना स्टार्ट हो जाता है 80 मार्क के बाद में जितना आपका स्कोर रहेगा लगभग उसी के आसपास आपका परसेंटाइल आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा शिफ्ट सबसे टफ था। तो देखो, इसमें मैं आपके लिए पूरा डेटा ही लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, पहले 5 अगस्त की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं शिफ्ट 1 का आपको दिखा रहा हूँ, ईजी टू मॉडरेट। ओवरऑल जो आपका शिफ्ट था, फिजिक्स की बात करोगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, केमिस्ट्री यहाँ पर देखो इजी टू मॉडरेट है। मैक्सिमम जो शिफ्ट है उसमें आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है आपका इजी आया है, लेकिन यहाँ पर देखो इजी टू मॉडरेट है। और मैथमेटिक्स की बात करोगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। यहाँ पर वो चैप्टर है जो आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स ये तो थोड़े से टफ चैप्टर है भी आपके। तो यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल पेपर कैसे आपका इजी टू मॉडरेट है शिफ्ट 1 का। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो ये मॉडरेट है, मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि शिफ्ट 2 में आपको मतलब जो आपका स्कोर आ रहा होगा जिनका 5 अगस्त का पेपर होगा तो उसमें थोड़ा सा इनको आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपको जो स्कोर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स का पेपर देखो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, केमिस्ट्री का भी देखो इजी टू मॉडरेट सही है और मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो यहाँ पर ये आपका 5 अगस्त का एनालिसिस है। 6 अगस्त की अगर हम बात करें तो 6 अगस्त का देखते हैं, तो 6 अगस्त का तो यहाँ पे अपडेटेड दिखा रहा है। तो ओवरऑल इसका भी पेपर जो था आपका
मॉडरेट टू डिफिकल्टी था 6 अगस्त का। अब 7 अगस्त की बात करें हम लोग, 7 अगस्त में आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे ओवरऑल डिफिकल्टी कैसा है, ईजी टू मॉडरेट है शिफ्ट 1 का, लेकिन शिफ्ट 2 का देखोगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो डिफिकल्टी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स कैसा है आपका, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी किया है तो उनका कहना है कि सर 7 तारीख का जो शिफ्ट था वो थोड़ा सा आपको टफ लगा है, मैथ्स भी टफ लगा है और उसमें केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन टफ थे आपके, फिजिक्स यहाँ पर ईजी आ गया था बस, ठीक है। और यहाँ पे फिजिक्स कैसा था आपका, मॉडरेट था। तो इसमें हो सकता है कि आपको कुछ स्कोर आपको देखने को मिले, रॉ मार्क्स में आपका कुछ नंबर बढ़ जाएगा। चलो अब देखते हैं ये 10 अगस्त का है आपका, तो 10 अगस्त में अगर हम देखें तो शिफ्ट 2 में अगर हम देखें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैक्सिमम आपको देखेगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पर देखो डिफिकल्टी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स काफ़ी डिफिकल्ट, ये यहाँ पर आया था आपका मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपके कैसे आए थे, मॉडरेट आए थे। तो जिनका शिफ्ट 2 10 अगस्त का होगा तो उनके चांसेस है कि नंबर आपके 4 से 5 यहाँ पर आपके इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे जरूर। चलो ठीक है, यहाँ पर ये सब आपको दिया हुआ है, कट ऑफ वट ऑफ मैं आपको अलग से कट ऑफ बना के बताऊंगा कि कहाँ पे कितना रहता है आपका, ठीक है। चलो अब 8 अगस्त पे बात कर लेते हैं हम लोग, 8 अगस्त की हालत क्या है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो ये इन्होंने सीधा स्कोर भी बता दिया कि कितना आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, तो कितना था आपका 82 से लेकर 109 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो ये अच्छा स्कोर था, ठीक है। यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया मीडियम टू टफ, मैक्सिमम आप मैथ्स के पेपर देखोगे सब आपके मीडियम टू टफ ही आपको दिखाई देंगे। 9 अगस्त की अगर आप बात करो, यहाँ पे मैं आपको सब दिखाई देता हूँ, आपको मतलब एक एक्यूरेट पता चल जाएगा कि हाँ सारे पेपर कैसे आपके थे, मतलब लगभग एक ही लेवल के थे। यहाँ पर भी देखो आप 8 अगस्त के मॉडरेट टू टफ यहाँ पे भी दिया हुआ है, पेपर 1 जो मैथमेटिक्स था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और केमिस्ट्री जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पर आपका स्कोर जो रहेगा 85 से 110 के बीच में आना चाहिए, सेफ स्कोर कितना है आपका 110 के ऊपर आता आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। और ये आपका है आखिरी 11 अगस्त का, तो यहाँ पर 11 अगस्त का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैथ्स का दिया हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट ज़्यादा पूछा गया था। चलो और अगर आप शिफ्ट 1 की बात करोगे तो ये भी कैसा है आपका, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो मैक्सिमम पेपर जो आपको दिखेंगे वो मॉडरेट टू डिफिकल्टी दिखेंगे, बस एक दो जो आपका शिफ्ट था जिसमें मैथ्स तो लगभग सभी शिफ्ट में टफ ही थे, ठीक है लगभग। और बाकी जो थे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वही कुछ थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपको कि अगर उसमें कोई शिफ्ट अगर आपका टफ आ गया है तो फिर आपके स्कोर थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आपको दिखेंगे, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बाद क्या करने का है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सारा डिटेल्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन जो भी आएगा आप उसको हमेशा अपडेट रहिएगा, ठीक है। सारा प्रोसेस मैं आपको मेमिस्ट्री सिटी का इस चैनल के ऊपर देने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।